शुभंक, हमारी एक खास सीरीज जारी है और इस सीरीज के अंदर लगातार हम जो आपका जन्मांक है यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस चीज को लेकर एक पूरा डिस्क्रिप्शन, एक पूरा एक एनालिसिस करने की हमारी कोशिश होती है। और पहले वाले एपिसोड के अंदर हमने 1 तारीख को पैदा होने वाले और 2 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के बारे में चर्चा की थी। ये एपिसोड नंबर 2 है जिसमें हम बातचीत करेंगे 3 तारीख को पैदा होने वाले और 4 तारीख को पैदा होने वाले। हम 31 तारीख तक का पूरा एक एपिसोड एक सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े हैं जिसमें हमने 5 से 6 सेगमेंट बनाए हैं जिसमें मार्केट, हेल्थ, आपका फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका अपना परिचय, आपका अपने व्यक्तित्व का परिचय, ये सब कुछ हमने आपके लिए रखा है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और शुभ अंक के अंदर देश की सबसे सुलझी हुई अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, शीतल बाखरे जी, जिनके साथ हमने सीरीज को शुरुआत की है। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। पहले वाले जो 2 एपिसोड हैं वो बहुत अच्छे गए, लोगों को बहुत पसंद आए, लोगों ने बहुत लाइक किया। 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ था और जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ था, आज हम चर्चा आपसे करने वाले हैं जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं। मंथ आपका कोई भी हो, ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम इससे बिल्कुल जेनरिक व्यू ले रहे हैं। आपको और बहुत ज्यादा डीप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो फिर शीतल जी से आप कनेक्ट भी कर सकते हो, हम आपको बता देंगे आप शीतल जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, फोन से, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के हैंडल, सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम 3 तारीख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं 3 तारीख वालों की USP, जो 3 तारीख को पैदा होते हैं उनकी USP, उनका परिचय, उनका अपना व्यक्तित्व क्या है, एक बार आप पहले को पहले वो बताइएगा, फिर मार्केट, फॉरेन, फैमिली, हेल्थ, बिजनेस, जॉब, सबके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहले USPs। यस सर, नंबर 3 मतलब अगर आप देखोगे 3 मतलब हार्ड वर्किंग होता है। ये नंबर्स मैं हमेशा बोलती हूँ, जुपिटर प्लैनेट से बिलोंग करते ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होता है। मतलब अगर आप इन्हें बोल दो कि भाई सुबह 5 बजे तुझे उठना है और रात में 12-1 बजे तक भी तुझे काम करना है तो ये बंदा रुकेगा नहीं। बोल्डनेस एक अलग इनका कैरेक्टर होता है, पावरफुल इनकी पर्सनालिटी होती है, हार्ड वर्किंग के साथ में करेज भी बहुत होता है। मतलब बहुत सारे पॉजिटिव करेज के साथ ये लोग हमेशा आगे रहते हैं और एनर्जेटिक। तो हार्ड वर्क जैसे कर रहे हैं सुबह 5 बजे से रात में 12 बजे तक भी ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका हार्ड वर्क और एनर्जी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से बोल्डनेस, पावरफुल पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग, करेज बहुत पॉजिटिव और उसके बाद में एनर्जेटिक, ये इनकी USP रहेगी। मैडम इतनी सारी USPs तो मेरे को तो ऐसा लगता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जिसका भी जन्म होगा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, तो मुझे लगता है 3 नंबर वाले ही होंगे फिर। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा एक और चीज शीतल मैम आपसे पता करना चाहता था, जब आप ये देखते हैं USPs 3 नंबर वालों की, हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक है या ये सब है, ये सब का आपका अपना निजी एक्सपीरियंस कितना है, क्या ये सभी लोगों पे ऐसा ही लागू होता है या फिर इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट होता है, थोड़ा स्विंग होता है कि नहीं, ये फैमिली पे भी बहुत डिपेंड करता होगा, ये फिर आप किस एरिया में रहते हो वो भी बहुत डिपेंड करता होगा, फिर आप फिजिकली काम करते हैं कि आप मेंटली काम करते हैं इस पर बहुत डिपेंड करता होगा, मोटा मोटी प्रेडिक्शन कितना परसेंट का रहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है जो हमने बात अभी USPs की है। देखिए न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स का साइंस है, मतलब उसमें साइंटिफिकली हर चीज जुड़ी हुई है। ये हम लोग पर्टिकुलर एक नंबर के लिए ले रहे हैं, मतलब भाग्यांक के लिए ले रहे हैं। जब हम लोग पूरी स्टडी करते हैं ना, जैसे आपने बोला कि फिर उसके लिए हम लोग बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भी लेते हैं, तो मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि हर 3 नंबर वाला वॉरेन बफे नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं 3 नंबर वाली हूँ तो मैं वॉरेन बफे होने की कोशिश कर सकती हूँ, बट वॉरेन बफे की बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस सारी चीजें अलग थी। तो उस टाइम के कुछ नक्षत्र, कुछ प्लैनेट्स, वो सारे कैलकुलेशंस करके तो फिर सारी डिटेल्स तो आपकी बन ही जाती है, बट मोटा मोटी अगर नंबर्स की कैलकुलेशंस करोगे तो नंबर 3 की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो पहला, बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, एक तो ये चीज़ इनके साथ है, हार्ड वर्किंग होती है, एक ये चीज़ इनके साथ है, और दूसरा मैं बोलूँगा कि एक इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में एक सक्सेस भी होता है। अगर आपके साथ ये सारे गुण हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल कैंडिडेट भी हो।
तो सक्सेस मेरे को लगता है कि तीन नंबर वालों के इर्द गिर्द थोड़ी ज्यादा घूमती है। अच्छा मैडम, मैं जरा पता करता हूँ आपसे मार्केट के बारे में, तीन नंबर वालों के लिए शेयर बाजार का एक्सपीरियंस कैसे रहता है, बहुत अच्छा बहुत खराब, और फिर किस चीज पे ध्यान देना चाहिए उनको? बहुत अच्छा बोल सकते हो, क्योंकि जब मुझे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम कि स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा नंबर लकी है, तो आई एम ऑलवेज प्रेफर कि भाई अगर आपकी बर्थडे 3 तारीख है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि वॉरेन बफे का नंबर 3 है तो उनका सक्सेस हमने देखा है। सो 3 नंबर बना ही स्टॉक मार्केट के लिए है, मतलब इनको इजी सक्सेस जो बोल सकते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट, हम लोग बोल सकते हैं, मतलब सारे नंबर्स में 3 नंबर इज द गुड फॉर स्टॉक मार्केट। इनके लिए डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, और अगर आप बोलोगे तो अगेन मतलब यही होता है ना कि सोच समझ के एंट्री और एग्जिट अगर ये ले पाते तो मार्केट में इनके जैसे पैसे कोई नहीं कमा सकता है। अच्छा, इनका एंट्री और एग्जिट अच्छा होता है? एंट्री और एग्जिट अगर सोच समझ के ये करेंगे ना तो इनके जैसे पैसा मार्केट में कोई नहीं कमा सकता, क्योंकि इनका प्लैनेट भी बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर मतलब रिचेस्ट प्लैनेट हो जाता है। ओके ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं अगर आपसे मार्क्स पूछूं मार्केट के हिसाब से, तो 3 नंबर वालों को आप कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 मैं आउट ऑफ 10 10 ऑन 10 दे सकती हूँ, बट यहाँ पे वही सोच समझ के जाने के लिए अगर 1 मार्क आप कम करना चाहते हो तो कर लो, बट 3 नंबर वाले बहुत नॉलेज लेके ही जाते हैं, तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आज के लिए मेरी लेसन है, मेरे आज के लिए लर्निंग है कि जो भी 3 तारीख वाला है तो भाई वो अगर मार्केट के अंदर आना चाहता है तो बिल्कुल आए, ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि आप वैसे भी सोच समझ के फैसले लोगे और आपका एंट्री और एग्जिट का पॉइंट थोड़ा भी आपका विवेक से आप काम करो तो मेरे को लगता है कि मार्केट एक आपके लिए बहुत अच्छा सौदा बन सकता है। तो यही न्यूमरोलॉजी का एक बेनिफिट भी हुआ आज। अब देखो, हमने सिर्फ मार्केट के बारे में सिर्फ जाना था, लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि अगर आपकी फैमिली में आप नहीं है 3 तारीख के, लेकिन आपकी वाइफ 3 तारीख की बर्थ की है या आपका बेटा 3 तारीख के बर्थ का है, तो वो हो सकता है आपके लिए मार्केट का एक अच्छा कैंडिडेट बन जाए, आप हो सकता है उसके नाम का खाता खुलवाएं। शीतल मैम, ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो मैं 5 तारीख से हूँ या मैं 4 तारीख का बर्थ हूँ और मेरी वाइफ 3 तारीख की है या मेरा बेटा 3 तारीख का बॉर्न है, तो मैं फिर उनके नाम का अकाउंट खुलवा के भी मार्केट में आ सकता हूँ? Yes, most of time जब मैं स्टॉक मार्केट की न्यूमरोलॉजी देख लेती हूँ, जब उस बंदे को वो स्टॉक मार्केट सूटेबल नहीं होता है, देन हम लोग सेकेंड ऑप्शन पूछते हैं कि मॉम डैड या वाइफ हस्बैंड भाई बहन किसकी, आपको बेटों की बेटी की किसकी बर्थडे ऐसी है जिनके नाम पे मैं आपको रेकमेंड कर सकूं कि आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो उनके नाम से स्पेशली। ओके ठीक है। अच्छा मैम, आपने मेरे को बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया, इसमें बैंकिंग को दोनों हिस्सा मानूं मैं, यानी कि सरकारी बैंक यानी कि PSU बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों? यस, आप दोनों बैंक्स में से। अब अगेन वही हो गया ना डिम्पी जी की स्टॉक कोड भी बहुत मैटर करता है, जब हम लोग पूरा नंबर का खेल ही खेल रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक कोड भी उतने ही मैटर करते हैं। फिर पर्टिकुलर जैसे हमने पूरी बात कर ली कि बर्थ डेट बर्थ टाइम बर्थ प्लेस, देन आपका बर्थ मंथ भी बहुत मैटर करता है, बर्थ ईयर्स भी बहुत मैटर करता है, फिर भाग्यांक मूलांक की जब आ जाते हैं सारे तो उसके टोटल के हिसाब से विच बैंक, जैसे अगर काफी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं तो वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट और जिनकी मैं न्यूमरोलॉजी फॉलो कर चुकी हूँ, तो वो सिर्फ HDFC बैंक में ही काम करते हैं, उनका भी बर्थडे नहीं है तो सिर्फ HDFC में बैंक में काम करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी तो मिनिमम 10 to 50,000 वो रोज घर पे लेके जाते हैं। अरे वाह मैम, फिर तो आप एक सेशन हमारे लिए और अलग से निकाल दीजिएगा मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मेरे को पता करना है। अब मैं इस शो के बाद ही आपसे वापस मैं कनेक्ट करूंगा आपको। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई, ये मेरे लिए आज की लर्निंग है, ये इस एपिसोड की मेरे लिए आज की लर्निंग है। और मैं चाहूंगा अगर शीतल जी से अगर आपको भी ऐसे कुछ समझना है जानना है तो आप जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा, आपको मैं नंबर्स इनके सोशल मीडिया के एड्रेसेस अभी आपको स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, आपको दिख भी जाएंगे, आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे शीतल जी के एड्रेसेस जो हैं जो सब कुछ सब आपको आपको दिख जाएगा, एक बार आप जरा नोटिस भी कीजिएगा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, इसमें ईमेल एड्रेस है फ़ोन नंबर है, आप जैसे चाहें कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि अगर आपका नंबर फिट हो जाए और अगर एक शेयर मिल जाए
तो मैं कह रहा हूँ 50,000 नहीं, अगर 5,000 भी घर आ जाए तो अभी कम नहीं है। अच्छा शीतल, मैं एक तीसरे एक्सपेक्ट पे आता हूँ जो 3 नंबर वाले हैं, जिनका 3 तारीख को जन्म हुआ है, उनका फॉरेन की विजिट्स, फॉरेन जाना कितना आसान है उनके लिए, फॉरेन जाएं तो वहाँ पे क्या काम करें क्या ना करें, जॉब अच्छा है, पढ़ने के लिए ही जाएं या नौकरी करने के लिए जाएं, ये जरा फॉरेन विजिट का 3 नंबर से कनेक्शन बताइए। किम्पी जी, आपको फॉरेन जाने के थिंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं हर बार जब भी आपके साथ शो करती हूँ तो स्पेशली जब आप फॉरेन जाने की बात करते हो तो बहुत हैप्पीनेस आपके फेस पे मैं देखती हूँ। मैडम एक ना एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे माइंड में और मेरे दिल में ना, वो फॉरेन को लेकर बहुत है, इसलिए मेरे को जैसे ही फॉरेन का वर्ड आता है मेरे को लगता है कि थोड़ा मैं एक्साइटेड सा हो जाता हूँ। आप ऐसे समझ लो, आप जिस दिन आपका नंबर आएगा स्पेशली मैं फॉरेन के हिसाब से ज्यादा ठीक है। यस नंबर 3 के लोग हार्ड वर्किंग के साथ में काफी बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है। मतलब सामने से, हम लोग बोलते हैं ना कि सामने से अपॉर्चुनिटीज आती है, बिजनेस रिलेटेड फॉरेन के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है। इवन इनको जॉब के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी फॉरेन से मिल सकती है। घूमने के लिए तो डेफिनेटली इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, तो यस ये घूमने के लिए जा ही सकते हैं। बट साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस फॉर अ जॉब इन लोगों को मिलती है। ठीक है, व्यापार करें या नौकरी करें, अगर फॉरेन में कभी जाना पड़े, किसी वजह से जाना पड़े, तो ज्यादा किस वजह से हम जाएं फॉरेन में? इन लोगों को अगर व्यापार करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब रिलेटेड थोड़ी कम मिलेगी, बट हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से या फिर वहां पे जाके सकलों के अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मैडम जरा फैमिली वाले एक्सपेक्ट पे। 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, किसी भी मंथ के 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका टिपिकली फैमिली कैसे रहती है? फैमिली, अब देखिए ये हार्ड वर्किंग होते हैं, इनका ज्यादा फोकस अपने करियर पे अपने काम पे होता है, तो डेफिनेटली फैमिली के लिए इनके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। और आपको पता है फैमिली को टाइम देना कितना जरूरी होता है। तो मतलब लाइक लास्ट 2019 में जब मैंने प्रेडिक्शन दिए थे कि साल भर कैसे रहेगा, तब मैंने बता दिया था नंबर 3 के लिए कि अभी आप लोगों को जितना काम करना है कर लीजिए और 2020 में आप पूरा टाइम फैमिली के साथ रहने वाले हो। तो अच्छा। वैसे ही हुआ, काफी सारे लोग 3 नंबर वाले अभी फिलहाल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जितना टाइम ये फैमिली के साथ देंगे ना, उतना इनका बाउंडिंग बढ़ेगा। मुझे यही बताना है कि उतना इनका बाउंडिंग बढ़ेगा। इन लोगों ने फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। ओके ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस करके रखें ये फैमिली और अपने जॉब में अपने प्रोफेशन में थोड़ा बैलेंस बनाएं, ऐसा ना हो कि सिर्फ व्यापार या काम की तरफ ही ध्यान दें, ये थोड़ा फोकस करें अपने फैमिली में भी ध्यान दें। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैडम, हेल्थ के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो 3 तारीख वालों का हेल्थ कैसा रहता है? क्या ये मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऐसे कि बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो काम कंप्लीट करना होता है, उसके एंड तक इन्हें पहुंचना होता है, तो वो अगर काम में कुछ भी रुकावटें आती है, देखिए कोई भी काम हम लोग जब स्टेप्स चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटें आते रहती है, तो जब कोई रुकावट आती है ना तो इनमें जल्द से जल्द नर्वसनेस आ जाता है, एक निगेटिव जोन इनमें क्रिएट हो जाता है कि शिट अब हो गया, खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ आगे। तो वैसे ना करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस उनके हाथ में ही रहेगा। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर इतना भागोगे और हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम, B12 की प्रॉब्लम भी मुझे कहीं ना कहीं नंबर 3 में दिखती है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा हार्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, काम को आप उतना बैलेंस करो। अच्छा, ये अच्छी चीज शीतल जी ने बताई, एक तो फैमिली को आप समय दोगे तो एक तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा, आपका तनाव कम हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरती के साथ अपने आप से कनेक्टेड हो रहा है हर चीज, तो तनाव आपका कम हो जाएगा अगर आप फैमिली को समय दोगे तो। दूसरा, अगर आप हेल्थ के हिसाब से हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा दिल से जुड़ी हुई यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं पर आपको थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना है। आपके बॉडी के अंदर हजारों पार्ट्स हैं लेकिन फिर भी उन सब पे आपको जो हर्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा,
थोड़ी बहुत घबराहट, यानी कि थोड़ा बहुत नर्वस भी आप रह सकते हो, थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान रखो। और दूसरा, पानी ज्यादा पिए, ये तो सबके लिए लागू है, लेकिन ये 3 तारीख वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैडम, ये कितना फर्क पड़ता है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है और आप पानी आप पीते ही नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा पीते हैं? जैसे कई बार होता है ना कि आपकी फैमिली में होता हो, ये तो जन्म जन्म का प्यासा है, कई बार हम जो बहुत पानी पीते हैं ना, तो उसके लिए मजाक भी बना देते हैं कि देखो ये तो कितना पानी पीता है। और कई ऐसे भी घर के फैमिली मेंबर होते हैं, एक ही फैमिली से हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन पानी का कंजम्पशन उनका बहुत कम होता है। वही मैंने बताया आपको कि B12 और हार्ट प्रॉब्लम, और जब हम लोग पूरा काम, मतलब ये हम अपना 100% जब देते हैं ना, तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देखते हैं। और पानी आपको पता है कि कितना जरूरी होता है बॉडी के लिए, और पानी के रिलेटेड अगर पानी इनका इंटेक कम रहा, इनको और ज्यादा डिजीजेस जनरेट हो सकती है। सो बेटर है अगर आप लोगों को आपके नंबर के हिसाब से पता है कि, तो अभी काफी सारे लोग जो मेरी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं उनके साथ अपना पानी का बॉटल हमेशा रहता है, तो सेम लाइक आपको भी अपना पानी का बॉटल हमेशा साथ में रखना होगा। अच्छा, ग्रेट, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि भाई ऐसी कुछ चीजें छोटी मोटी रेमेडीज के तौर पर ही हो जाएगा, हेल्थ की हेल्थ और रेमेडी की रेमेडी, तो ये तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, अब मैं एक लास्ट एक्सपेक्ट पे आता हूँ 3 तारीख वालों का, जिनका 3 तारीख का जन्म है, वो है बिजनेस और जॉब। पहले तो मैं इसको जॉब वर्सेस बिजनेस करूंगा, पहले आप मेरे को बताइएगा कि इनके लिए ठीक क्या है, कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों का आप सेम मार्क्स दोगे? दूसरा, अगर सेम मार्क्स नहीं देने वाले तो फिर किस पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें? बिजनेस और जॉब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बता दीजिए, जिनका जन्म की तारीख 3 तारीख है। यस सर, देखिए ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इनको अगर खुद का ओन बिजनेस अगर ये करेंगे ना, तो इनका सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए ये रात दिन मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो बेटर है मेरे हिसाब से अगर 70% लोग बिजनेस की तरफ झुकना चाहेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस में इनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। जॉब इनके लिए एक सीमित दायरा हो जाता है, उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो हार्डवर्क होता है, वो किसी और के लिए देने से बेटर है। अगर आप बिजनेस खुद के बिजनेस में, वहां पे आपकी कमांड रहेगी, वहां पे हर एक अथॉरिटी आपकी रहेगी, तो बिजनेस में उतनी एनर्जी उतना हार्डवर्क आप लगाओगे तो वहां पर ज्यादा सक्सेस मिलेगा। यस, अगर आप मार्क्स पूछ रहे हो, एज अ कैटेगरी आप पूछ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी नंबर 3 के लिए 70% आप बिजनेस कर लो और 30% आप जॉब की तरफ जा सकते हो, जिन्हें कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, जॉब के साथ आप अलग अलग साइड बिजनेसेस भी कर सकते हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, ये नौकरी करते हैं तो कई बार मैम ऐसा होता है कि हमको क्या सरकारी नौकरी या बड़ी पोजीशन बड़ी पोस्ट के लिए जाना चाहिए, या फिर कई बार मन में ये भी होता है कि अब पता नहीं हमको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे भाग्य में है कि नहीं है, तो मैं प्राइवेट जॉब्स देखता हूँ, मैं उसमें बड़ी पोजीशन ले सकता हूँ। तो टिपिकली 3 तारीख जिनका भी जन्म है, क्या वो सरकारी नौकरी के लिए भी जा सकते हैं, बड़ी पोजीशनें भी उनको मिलती हैं क्या? यस सर, मिलती है, और मतलब सारे नंबर्स में इतनी पावर होती है कि भाग्य बदलना जानते हैं नंबर्स। अच्छा, तो अगर भाग्य आप बदल दोगे, न्यूमरोलॉजी की हेल्प लोगे, आपका सिग्नेचर एंड आपका नाम का स्पेलिंग ठीक होगा, तो आपको जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, इवन फॉरेन रिलेटेड जॉब, हर तरफ आपको आपका मनचाहा जॉब या फिर सेक्टर्स आप चूज करके व्यापार भी आप वहां पे कर सकते हैं, इतनी ताकत होती है आपस में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। तो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, 3 तारीख का जिनका जन्म है उनको एटलीस्ट बिजनेस की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव होना चाहिए। मैडम, अभी आप बता रहे थे कि सिग्नेचर बदले जाएं या थोड़ा स्पेलिंग में चेंजेस किए जाएं, ये कितना फर्क पड़ता है? मैं सिग्नेचर भी एक्चुअली मैं आपसे बात भी करना चाहता था, क्योंकि मेरे भी कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं कि जिन्होंने, जिनका नाम पुनीत है मान लीजिए, तो एक्चुअली में पुनीत की स्पेलिंग होती है PUNET, तो कई लोग TT लगाते हैं पीछे। अच्छा, तो कई लोगों का जो नाम है वो अपने हिसाब से सिग्नेचर नहीं करते, बहुत बड़ा एक अक्षर लिखेंगे फिर छोटा कर देंगे, या बहुत ही छोटा सा एक अक्षर लिखेंगे, वो पता भी नहीं चलता कि सिग्नेचर है कि एक सिंपल लाइन है। ये सिग्नेचर कितना बड़ा फर्क पड़ता है इस सब, जरा मेरे को आप सिग्नेचर के ऊपर बताइए, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है सिग्नेचर को लेकर। अगर आपसे बात करूं तो हमारे मराठी में या हिंदी में, या मराठी में हम लोग सही बोलते हैं सिग्नेचर को। अच्छा। तो टैगलाइन बन गया है, सही सही हो तो सारी चीजें सही हो सकती है। तो सिग्नेचर अगर आप ठीक हो तो आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं।
मोस्ट ऑफ टाइम मतलब सिग्नेचर्स में तो आप बोल सकते हो, तो आई एम अ एक्सपर्ट, मतलब आपके सिग्नेचर से मैं आपका पास्ट बता सकती हूँ, मतलब आपका जो सिग्नेचर है ना वो मेरे लिए आपका एक्सरे मशीन रहेगा कि मैं आपके पास्ट में क्या हुआ है और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है वो मैं इजीली बता देती हूँ आपको। अरे वाह, तो मतलब आपको अभी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ज्यादा नहीं चाहिए होते, तो आप खाली सिग्नेचर से भी बहुत हद तक बता सकते हो किसी के बारे में। रैंडम जब आप मुझे पूछोगे तो मैं बस आपकी सिग्नेचर मांग लेती हूँ और सिग्नेचर के हिसाब से आपका नेचर, आपका पास, आपकी हर वो चीज मुझे पता चल जाती है। इवन आप क्या सोचते हो, आपकी सोच में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी मैं आपके सिग्नेचर से बता सकती हूँ। अरे वो तो मतलब आप फिर तो आपको सिग्नेचर सोच समझ के देने चाहिए, हमारे बारे में बहुत कुछ आपको पता लग जाएगा एक झटके में। अच्छा मैम एक और चीज़ है सिग्नेचर के बारे में पता करना चाहता था, क्या सिग्नेचर आपके पूरी माइंड का एक एक मैं कह सकता हूँ कि एक्सरे होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या कुछ? देखो सिग्नेचर के बारे में ना मोस्ट ऑफ टाइम लोग अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। जब आप देखते हो कि आपके पापा चेक पे साइन ऐसी तरीके से कर रहे थे, पहले कंसेप्ट था कि मेरी साइन कोई कर लेगा तो मैं डिफिकल्ट सिग्नेचर करता हूँ, बट आप देखिए जितने डिफिकल्ट सिग्नेचर रहेगी उस बंदे के लाइफ में उतनी डिफिकल्टीज रहेगी। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिग्नेचर इजी होना चाहिए। सिग्नेचर इजी नहीं बोल सकते हैं हम लोग, बट सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए जिसमें आपका जैसे नाम का ही स्पेलिंग अगर आपने बोला पुनीत के बारे में, आप सीधा सीधा मेरा नाम देख सकते हो कि शीतल, अगर शीतल हाँ। का स्पेल लिखोगे आप तो एस एच आई टी एल लिखोगे, मैं क्या स्पेल करती हूँ एस एच ई टी ए डबल एल, सो शीतल हो गई मैं, सो दैट इज द मीनिंग। आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा, सिर्फ स्पेल चेंज करेगा, जो स्पेल आपको आपके लकी नंबर्स के हिसाब से आपके पूरे ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। अच्छा मैं एक ना सिग्नेचर की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे को जरा इसके बारे में बताइएगा। एक तस्वीर भी आपके सिग्नेचर की आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर, एक तो इससे आपने क्या रीड किया? अच्छा मैं ये आपको सिग्नेचर आपको मैंने दिखाया तो मेरे को आप जरा इसकी एक तो रीडिंग बताइए कि आप इसको आपने इसको क्या रीड किया इसमें, और दिस पहला इसमें जो पहला अक्षर है फर्स्ट वर्ड है वो तो एक्सट्रीम बिग है। अगर आप मेरे से बोलोगे इसके पांच अक्षर एक बराबर और पहला अक्षर एक बराबर है, ये आपने इसमें क्या रीड किया? एक जो तस्वीर मैंने अभी आपके सामने रखी है सिग्नेचर रखा है। सिग्नेचर का तो मैं पहले आपको नाम दे देती हूँ, एक्सट्रीमली बिग फर्स्ट लेटर इस सिग्नेचर का नाम रहेगा। देखिए अभी ये जिस भी बंदे की आप सिग्नेचर लेके आए हो आई डोंट नो, बट इनके बारे में अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, कभी आप इनसे बात कर लेना, बहुत बड़ा फर्स्ट अल्फाबेट इन्होंने लिया है, मतलब ये काम शुरू करेंगे तो इतना एक्साइटमेंट रहेगा इनके काम में और धीरे धीरे इनका काम स्लोली होते जाएगा, मतलब और उसके बाद में इन्होंने देखिए वहां पे तीन फुल स्टॉप दिए, मतलब बहुत बार इनके जॉब या फिर इनका बिजनेस इन्होंने चेंज किया होगा अगर पास्ट अगर आप इनके साथ शेयर करोगे, और बीच में मतलब खुद ही बीच में रुकावटें पैदा कर रहे हैं ये लोग, तो ये सिग्नेचर मेरे हिसाब से टोटली रॉन्ग है। अच्छा ये रॉन्ग सिग्नेचर के कैटेगरी है। Yes. Okay, ठीक है। अच्छा इसमें फर्स्ट वर्ड जो एक्सट्रीम फर्स्ट वर्ड आप बता रहे हैं कि जो है इससे कोई खास बड़ा मीनिंग नहीं है, यानी कि बड़ा एक्साइटमेंट वाला है, उसके बाद सारे वर्ड्स या तो बड़े होने चाहिए तो फर्स्ट वर्ड ही छोटा होना चाहिए आपके हिसाब से, ऐसा होना चाहिए था। तो आप सारे वर्ड्स इक्वली लीजिए, मतलब आपका सारा काम ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगा एटलीस्ट। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आपने पहला ही लेटर बड़ा कर दिया और उसके बाद में आप स्लोली जा रहे हो तो वही होता है ना, आप स्लाइडिंग की तरह नीचे आना भी शुरू हो सकते हो। ये बहुत बहुत बार मैं ये वाले सिग्नेचर्स के बारे में प्रेडिक्ट करती हूँ कि ऐसे सिग्नेचर ना ही करे तो बेटर है। अच्छा अच्छा एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। कई लोगों के सिग्नेचर कुछ इस तरह के होते हैं, बहुत छोटा, अब पता ही नहीं है कि क्या है, बस बिल्कुल एक लाइन लगाया और उसके कुछ उसके ऊपर ही जो भी करना है बस उसके ऊपर ही कर दिया, उसी वर्ड के ऊपर ही कर दिया। इस सिग्नेचर को मैम आप क्या कहते हो और इस सिग्नेचर से आपकी क्या रीडिंग है? मान लो ये किसी के भी सिग्नेचर हो तो इससे आपकी क्या रीडिंग निकल के आएगी? डिम्पल सर मैं आपको अगर पूछूं, जो फर्स्ट सिग्नेचर मैंने आपको बताया आपको ये लग रही है शायद यहाँ पे डिम्पी आपका भी एक सिग्नेचर मुझे दिख रहा है लास्ट में, मेरे को लग रहा है कि ये मेरा भी सिग्नेचर है जो फोर्थ नंबर वाला है। यस मैं वही बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए जो जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक सिग्नेचर के बारे में बताया आपको ये सारी सिग्नेचर ठीक लग रही है इस मेरे लैंग्वेज में, अगर आप इसे पूछो साइंटिफिक लैंग्वेज में तो मैं इसे स्मॉल सिग्नेचर शॉर्ट सिग्नेचर, जो बंदा शॉर्टकट यूज करना चाहता है ना लाइफ में
और जो अपने लाइफ में ट्विस्ट लेके आना चाहता है, और बहुत अगर बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में तो बहुत छोटी सोच, मतलब छोटा छोटा सोचते हैं, बस कल के दिन का सोच लो, आगे का सोचने की इनको जरूरत नहीं होती है। सो दैट इज, अगर आपको आगे का सोचना है तो ये सिग्नेचर तो टोटली गलत है। सॉरी टू से डिंपल सर, बट यस ये सिग्नेचर टोटली गलत है। तो मैं अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा और बड़ा करूं मैं? डेफिनेटली। देखिए आपका जो लास्ट सिग्नेचर है, अगर पर्टिकुलर वो सिग्नेचर आप बता सकते हो तो मैं आपको बता दूं। उस सिग्नेचर में देखिए आप फर्स्ट लेटर अगेन आपने बड़ा लिया है, आप पहले जी में थे, फिर आप फाउंडर इंडिया में आ गए, फिर वहां से आप नीचे पीछे की तरफ आने के ब्राइट चांसेस है, तो वो सिग्नेचर आप पहले बंद कर दीजिए, मेरे से काउंसलिंग ले लीजिए, मैं आपको नया सिग्नेचर दे दी। मेरे को तो लग रहा है कि आज ही ये शो खत्म करके सबसे पहले काम ही यही करना पड़ेगा, मेरे को सब काम छोड़ के आज तो यही करना है। मैं बस ये शो कम्प्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे पर्सनली जरा एडवाइस भी लेता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो सख्त जरूरत है अब इस सारी चीजों की। सिग्नेचर हम लोग इससे बोल सकते हैं, अगेन मैं इसे ये भी हम लोग, आप अगर चाहते हो तो हम लोग बहुत सारे सिग्नेचर्स के बारे में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एपिसोड। आपने मेरे मुंह की बात छीनी है शीतल मैम, अब आपने आपने मेरे को दोनों सिग्नेचर के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये दोनों सिग्नेचर के अंदर दिक्कतें ही बताई है। अब आपने मेरे को एक स्टैंडर्ड बताना, मान लीजिए किसी का भी नाम लेंगे हम, मान लीजिए आप अपना ही नाम लेते हैं, ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा कि शीतल के खराब सिग्नेचर इस तरह से हो सकते हैं, ये ठीक ठीक सिग्नेचर और बेहतर सिग्नेचर कैसे किए जा सकते हैं। तो अगला एपिसोड हमारे साथ ये फिक्स हो गया कि हम बेहतर सिग्नेचर कैसे कर सकता है कोई एक आदमी, या उसको कैसे करने चाहिए उसके बारे में एक आपको बताएंगे, खराब और बेहतर, खराब से बेहतर कैसे आओ, वो बोला एक पूरा एक आपके साथ वो हम एक जरूर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज हो गई, तो अगली बार के लिए ड्यू भी है। तो ये तो सिग्नेचर के एपिसोड है। अब मैं जरा मैम चार नंबर पे आता हूँ, अब हम बात करेंगे नंबर चार की, यानी कि जो चार तारीख जिनका जन्म है, जो चार तारीख को पैदा हुए, किसी भी महीने के चार तारीख को पैदा हुए, उनके बारे में जरा पता करते हैं। तो पहले उनकी जरा यूएसपीस पे आते हैं, उनको कैसे पहचाने, कैसे पता लगेगा ये चार तारीख वाला है, अपने हाव भाव से क्या बताता है। देखिए जैसे आपने बोला कि नंबर चार के लिए कैसे पहचाना जाए कि ये बंदा चार, भीड़ में है और समझ लीजिए छोटा मोटा किसी का एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग निकल जाते हैं, भाई चलते रहता है, और चार नंबर वाला रुकेगा, उसे उठाएगा, उसे साइड में बिठा के हॉस्पिटल भी लेके जाने की कोशिश करेगा, तो ये बंदे जो होते हैं ना ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनके माइंड में ना बहुत इमोशंस भरे हुए होते हैं, बहुत केयरिंग के साथ इमोशनली वो हर एक चीज हैंडल करते हैं। डेफिनेटली इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर मैं इनसे अब मांगू कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो ये बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 1,000 रुपये ही अभी फिलहाल, उसमें से तो भी तू 700 रुपये लेके जा। सो दैट इज कॉल, इसे बोला जाता है, इस तरीके से ही अपना सेविंग करके रखते हैं, बहुत हम्बल भी होते हैं ये लोग। हाँ डेफिनेटली इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छा होता है, अगर आप सारे क्रिकेटर्स या फिर जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड लोग हैं अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको नंबर फोर वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, सेंसिटिव भी उतने ही होते हैं, उतने ही केयरिंग, सेंसिटिव और इमोशनल भी होते हैं। ये सारी यूएसपी आपको चार नंबर वाले बंदे को फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाएगी। ये आपने अच्छा बताया, एक्चुअली मैं भी एक किसी अपने परिचित को जानता हूँ चार तारीख जिनका जन्म है चार तारीख का, बिल्कुल आपने उनका उनका ही व्यक्तित्व मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। वो बहुत ही संवेदनशील भी हैं, नम्र भी हैं, बाकायदा छोटे और बड़े से दोनों से बड़ी इज्जत से बात करते हैं। और तीसरा जो आपने बताया ना कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वो ये सोचते हैं कि अपने ही घर का हुआ है, तो उसकी जितनी हेल्प वो कर सकते हैं उतनी हेल्प करते हैं। ये आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने पोर्ट्रे किया, क्योंकि मैं उन चार नंबर वालों को जानता हूँ और बिल्कुल आपने जैसा नेचर बताया वैसे ही उनका भी नेचर है, काफी हद तक उनका जैसा ही नेचर आपने बिल्कुल बताया। अच्छा मैं मार्केट के हिसाब से चार नंबर वालों के लिए क्या बोला जाता है, वैसे जितना मैं जानता हूँ शायद चार नंबर वाले जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली राहु का नंबर माना जाता है चार तारीख को, चार नंबर को, मेरे को पता नहीं मैं कितना ठीक हूँ नहीं हूँ, जरा आप मेरे को बताइएगा। Yes, देखिए आपने बिल्कुल सही बताया है कि नंबर चार मतलब राहु का नंबर हो गया। अब राहु का नंबर मतलब राहु सोचने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें देते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि गलत डिसीजंस लेने के लिए राहु की दशा सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि के पास राहु, केतु और शनि, ये तीन जो प्लैनेट है ये बहुत डिफिकल्ट प्लैनेट, मतलब लोगों के मन में
डर सा बैठा होता है इन तीनों प्लैनेट्स को लेके, बट ऐसे नहीं होता है। फिर भी डिसीजंस गलत होना ये नंबर चार के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली होते रहता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सॉरिट्यू से बट स्टॉक मार्केट इनके लिए ठीक ठीक रहेगा। मैं 100% आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टॉक मार्केट में आओ, आप ट्रेड करो। आपके ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी गलत जा सकती है, जबकि सारी स्टडी हो गई है आपकी, बट लक अगर साथ में ना हो तो ट्रेड गलत जाने के ब्राइट चांसेस नंबर फोर वालों के साथ होते। तो ठीक ठीक है मेरे हिसाब से, सोच समझ के तो करने के लिए हम लोग बोलते ही है, बट चार नंबर वाले इन्वेस्टमेंट करे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वैसे कोई सेक्टर आप बताना चाहते हैं इनके लिए, या फिर क्योंकि मार्केट में ज्यादा रहना ही नहीं है तो फिर आप सेक्टर भी छोड़ दें इसमें? इनके लिए आईटी सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा सर, आईटी रिलेटेड। आईटी सेक्टर इनके लिए ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, तो फिर सिलेक्टिव आईटी कंपनीज के अंदर ही ये निवेश करें तो ज्यादा ठीक है। और वैसे भी आप निवेश ही करो, फिर आप ट्रेडिंग से थोड़ा बचो। मार्केट शायद आपके लिए उतना ठीक नहीं है, तो मार्केट में थोड़ा इल्यूजन रह सकता है, थोड़ा कहीं आपको कहीं ट्रेड में नुकसान ना हो जाए, इसलिए 4 तारीख वाले थोड़ा सोच समझ के आए। और अगर कोशिश हो तो 3 तारीख में आपका घर में कोई है तो उससे आप रिप्लेस कर लो अपना अकाउंट, आप उनके नाम का अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। अच्छा मैम, फॉरेन के हिसाब से 4 तारीख वालों के लिए क्या है आपकी रीडिंग्स? फॉरेन के हिसाब से जिन कंट्रीज में ये जाना चाहते हैं ना, उन तक पहुंचना इनको डिफिकल्ट हो सकता है। इनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दिक्कतें आती है, डेफिनेटली ये जा सकते हैं, बट जो वो सोच रहे हैं ना, वहां से कोई और कंट्रीज इनको मिल जाती है। मतलब आप समझ लो यूएस जाना चाहते हो तो हो सकता है आप दूसरी कंट्री पहुंच जाओ, कनाडा पहुंच जाओ या फिर कहीं और पहुंच जाओ। मतलब एग्जैक्ट आपका जब तक लक साथ नहीं देता तब तक आपके ड्रीम भी कंप्लीट होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो मोस्ट ऑफ टाइम नंबर फोर वालों के साथ ये दिक्कतें फेस करने पड़ती है इन लोगों को। ओके, ठीक है। अच्छा वैसे अगर ये थोड़ी मेहनत करें तो क्या जा सकते हैं फॉरेन जिनका 4 तारीख का जन्म है? सर मेहनत के साथ मैं बोलूंगी, इनको अगर लक ये अपना पहन के चलेंगे ना तो डेफिनेटली ये जा सकते हैं। अपना लक जैसे वो है ना कि अपना लक पहन के चलो, तो नाम का स्पेलिंग जैसे सिग्नेचर्स मैंने बताया आपको, और लकी कलर्स लकी डेट्स अगर ये यूज करते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए भी, जैसे हमने बोला कि कोई नंबर बुरा नहीं होता है, बस उसकी ग्रेविटी हमें चेंज करनी पड़ती है। उसकी ग्रेविटी चेंज करनी है, ठीक है, बहुत बेहतर है। और मैं आपसे बोलूंगा कि ये तो हम सिर्फ जनरल आपके सामने बात रख रहे हैं, शीतल जी से हम पता कर रहे हैं, जितना उनसे हम बुलवा पा रहे हैं तो हम वो बुलवा रहे हैं उनसे। लेकिन अगर आप शीतल जी से पूरी तरह से एक्सपर्ट राय लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली पता ही करना चाह रहे हैं, तो फिर आप शीतल जी से कनेक्ट भी कर सकते हैं। वो सारे हैंडल सब नंबर सब आपकी स्क्रीन पर वापस से आ जाएगा, ताकि आप नोट कर लें। और मैं तो ये बोलूँगा आप फोटो ही खींच के रख लो, आप हो सकता है आपको आज ज़रूरत ना हो, आपको एक महीने बाद ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है आपको किसी को एडवाइस करनी पड़ जाए, हो सकता है आपके घर में किसी को ज़रूरत हो, तो आप अपने पास इसको सेव करके रखो कि भाई ठीक है, शीतल जी से हमको कभी भी एडवाइस लेना होगा तो ये नंबर्स ये हैंडल्स हैं, और हम किसी को भी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। नेक्स्ट मैम, आता हूँ मैं जरा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 तारीख वालों के लिए बोला जाता है कि क्योंकि ये बहुत भावुक हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नम्र भी हैं, संवेदनशील भी हैं, केयरिंग भी हैं, तो फिर इनका फैमिली का स्टेटस कैसा रहता है? देखिए ये अपने फैमिली को ना 100% देते हैं। अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि अगर आजकल डिवोर्स मतलब बहुत कॉमन चीज हो गई है, और अगर डिवोर्स केसेस में आप देखोगे तो 60% नंबर 4 और नंबर 8 आते हैं, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, बट सामने वाले से जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर कहीं ना कहीं इमोशनल होने की वजह से ये डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं इतना दे पा रहा हूँ और मुझे उतना नहीं मिल रहा है। उस वजह से रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूंगी कि इमोशनल जो व्यू है इनका ये थोड़ा सा बाजू में रख के अगर प्रैक्टिकल ये बिहेव करते हैं, प्रैक्टिकली ये अपना एटीट्यूड रखते हैं, तो डेफिनेटली इनको रिलेशनशिप में जो दिक्कतें आ रही है वो कम हो जाएगी। और गुस्सा तो आपको पता ही है, राहु इनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाता है, तो गुस्से पे अगर आर्गुमेंट और गुस्से पे अगर काबू रखेंगे तो डेफिनेटली इनको और ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 4 तारीख का जिनका जन्म है तो थोड़ा सा गुस्से पे अपने जरूर काबू रखें, और मेरे को लगता नहीं कि गुस्से से कुछ हल निकलती है, बल्कि सूझबूझ से ही किसी चीज़ से आगे बढ़ा जा सकता है। बेहतर बात, अच्छी चीज़ आपने की है कि आप थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कर। अच्छा मैम, इनकी हेल्थ का स्टेटस कैसा रहता है 4 तारीख वालों का?
देखिए, इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है और आपको पता है अगर वेट जल्दी बढ़ता है तो काफी सारी डिजीज को इनवाइट हम खुद ही करते हैं। सो बेटर इन्होंने वेट ना बढ़ने देना, मतलब रेगुलर योगा एक्सरसाइज कंपलसरी करना चाहिए, मेडिटेशन कंपलसरी करना चाहिए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम और मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम इन नंबर फोर में मैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, हैवी फूड स्पेशली अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ और बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, योगा आपको हमेशा हेल्प ही करता है। मतलब इनके लिए कुछ खास है कि जो 4 तारीख वाले हैं उनको योगा और मेडिटेशन उनके दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए, या फिर ये हालांकि होना तो सबके लिए चाहिए लेकिन 4 नंबर वालों के लिए बोलेंगे कि आप ये कंपलसरी ही है? यस सर, कंपलसरी ही है क्योंकि जैसे हमने बोला इनको गुस्सा भी बहुत आता है, वेट भी बहुत जल्दी बढ़ता है, तो ये दोनों चीजों के लिए तो स्पेशली मेडिटेशन और योगा कंपलसरी रहेगा। एटलीस्ट नहीं कुछ तो इन लोगों ने वॉक करते हैं तो भी ज्यादा बेटर होगा। और वन मोर थिंग डिम्पी सर, मैं अभी 4 नंबर के बारे में हमने थोड़ी सी कड़वी बातें जब यहाँ पे करी है, मैं उसी लिए फेमस हूँ कि जो हो है वो मैं बोलते रहती हूँ, तो टिप भी मैं उसके साथ देती हूँ, रेमेडीज भी मैं उसके साथ देती हूँ। मार्केट के लिए हमने ठीक ठीक बोला, हेल्थ वाइज भी हमने काफी सारी चीजें इन लोगों को निगेटिव बताई है, तो स्पेशली मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ कि नंबर्स बुरे नहीं है, नंबर्स की ग्रेविटी को हम लोग चेंज करेंगे, बट हो सकता है उतना शनिदेव की पूजा अगर ये करते हैं और साथ में ब्लू कलर अगर जितना यूज हो सकता है वो करते हैं तो डेफिनेटली इनकी जो दिक्कत है वो अभी फिलहाल कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने ये बताया। हालांकि मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं 3 नंबर वालों को सुन रहा था और जब मैं 4 नंबर वालों को सुन रहा हूँ तो मेरे को साफ साफ फर्क दिख रहा है कि 3 वालों के पास सारे लग्जरी हैं और सब कंफर्ट है, मार्केट भी ठीक है, नौकरी भी आप करो आप बिजनेस भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत ही है दिक्कत, लेकिन जैसे 3 और 4 का हम कंपेरिजन करते हैं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा था। अच्छा किया आपने मेरे को ये बता दिया कि नंबर अपने आप में पूर्ण है, सभी भगवान के नंबर्स हैं, सबका जन्म अपने अपने संस्कारों के अनुसार है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ों का अगर हम हेर फेर कर दें या थोड़ी बहुत चीज़ों का हम आदान प्रदान अलग तरीके से कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आप इसको एक सब्जी के तौर में भी डालेंगे, अगर आप थोड़ा भी नमक और मिर्च को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, वही सब कुछ होगा लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है, बस इतना ही। बहुत अच्छे से आपने ये मेरे को क्लियर किया। अच्छा मैम, इनका एक तो मेरे को बिजनेस जॉब और हेल्थ ये दोनों भी बता दो आप, एक तो इनका हेल्थ का कैसा रहता है स्टेटस और फिर बिजनेस जॉब कैसे रहता है। हेल्थ तो हमने अभी बात कर ही ली है कि इनको योगा मेडिटेशन एंड हेवी फूड अवॉइड करना है। रही बात हम लोग कर लेते हैं जॉब और बिजनेस। देखिए, अब इमोशनल, मनी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्समैन पीरियड सारी चीजें इनके पास है बट इनमें ना स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। बिजनेस में भी इनके व्यूज चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे हमने 3 नंबर वालों के लिए बोला था कि 70-30% लोग बिजनेस कर लो और 30% लोग जॉब कर लो, यहाँ पे मैं रेशियो चेंज कर रही हूँ डीपी सर, यहाँ पे 80% लोगों के लिए मैं जॉब बोलूंगी और 20% लोग बिजनेस करे। बिजनेस करते टाइम भी किसी और की बर्थडे के नाम से अगर ये यूज करे तो ज्यादा बेटर है, बैकबोन ये रख सकते हैं, अथॉरिटीज पूरी इनके पास रखी है, बाकी सारी चीजें इनका मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है, सिर्फ अपना नाम और बर्थडे के हिसाब से अगर किसी और की बर्थडे यूज करते तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि 3 और 4 तारीख के अंदर जो एक मैंने बिल्कुल एक फर्क बताया कि बिजनेस के लिए 3 तारीख अच्छी डेट है, उनमें थोड़ा सा नौकरी आप कम ही ढूंढें, लेकिन जैसे अगर आपकी तारीख 4 है, अगर आप 4 तारीख का आपका जन्म है तो आप ये सोचें कि आपको नौकरी ज़्यादा करनी है, तो बिजनेस आपको थोड़ा कम आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना भी चाहते हैं तो फिर एक्सपर्ट्स के एडवाइस एक बार लेके फिर आप उनसे ज़रा पता कर लीजिएगा कि हाँ फिर 3 तारीख से करवाएं बिजनेस, कि 5 तारीख वाला कोई जन्म मांग का है हमारे घर में तो उससे करवाएं बिजनेस, लेकिन 4 तारीख वाले इस चीज़ को मान लें कि थोड़ा वो व्यापार में थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींच के रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम, आज आपसे अच्छा लगा बातचीत करके। 3 तारीख वालों के बारे में भी हमने आपसे पता किया, 4 तारीख वालों के बारे में पता किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप शीतल बाखरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फोन नंबर, उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स और उनका ईमेल एड्रेस सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें, फोटो खींच लें और जब भी आपको मौका मिले
आप इनसे कंसल्टेंसी, उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे चल के हम ये कोशिश भी करेंगे कि आगे चल के हम आपसे बातचीत करें, और हम एक चीज़ ये भी करेंगे कि सिग्नेचर वाला पॉइंट वो आगे भी रखेंगे, और 5 तारीख और अब 6 तारीख की अगले एपिसोड में बातचीत होगी आपसे। आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? यस सर, बस सिग्नेचर्स आप लोग मंगवा लीजिए लोगों से, तो उसके ऊपर प्रेडिक्शन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज अच्छी करी आपने, तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो मुश्किल में है या थोड़ा वो, तो उनको कुछ एडवाइजरी चाहिए, तो आप अपने सिग्नेचर फोटो खींचिए, उस सिग्नेचर को कीजिए पेपर पे, फोटो खींचिए और भेज दीजिए शीतल जी को। उनका व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उनको जीमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप उनको एक बार भेज दीजिएगा, वो आपको फिर पर्सनली गाइड कर देंगे। 3 तारीख और 4 तारीख की हमने आज चर्चा की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से हमने एक काम किया कि शीतल जी के जितने भी फैंस हैं उसमें से हमने एक को हमने चुना, और हम ये चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस भी आप एक बार साझा हम करना चाहेंगे। आप जरा उनसे भी, उनके बारे में भी जरा बात कीजिएगा, उनसे भी समझिएगा कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। कई बार ऐसा होता ना कि हम डॉक्टर से जब हम एडवाइस लेने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि हाँ वो डॉक्टर कैसे थे, वो दवाई कड़वी तो नहीं देते ज़्यादा, इंजेक्शन तो नहीं लगाते हैं ज़्यादा, तो वो आपको डॉक्टर के बारे में, वो पेशेंट बहुत अच्छे से बता पाता है। तो आज मेरे साथ विजय सोनी जी जुड़े हैं। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप शुभ अंक में जुड़े। शीतल जी से हम बात कर ही रहे थे, और शीतल जी से बात करते करते हमको ये चीज़ लगा कि क्यों ना हम उन लोगों से भी एक बार बात करके देखें जो शीतल जी के, जिन्होंने एडवाइस लिया, जिन्होंने शीतल जी से साथ लिया और अपने आप में बदलाव देखा, अपने जीवन में बदलाव देखा। तो आप मेरे को जरा बताइएगा आप कहाँ पे खड़े थे, आपको क्या दिक्कत थी या क्या तकलीफ थी, फिर आपने क्या सोचा, आप शीतल जी तक कैसे पहुंचे और फिर कितना फर्क आपको दिखा? जी, मैं एक्चुअली फेसबुक के जरिए शीतल जी से जुड़ा था, तो उस समय मैं काफी प्रॉब्लम में था, तो मैंने फेसबुक में मैं देखता रहता हूँ, मैम को फॉलो करता हूँ, तो उनके सारे प्रेडिक्शन मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने, उनको जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया न्यूमरोलॉजी के लिए। तो मैंने न्यूमरोलॉजी करवाई मैम से, तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। फिर मैंने पूरी फैमिली का न्यूमरोलॉजी कराया, और घर पर जो प्रॉब्लम थी तो वास्तु भी विजिट भी करती है मैम, अच्छा, तो वो करवाया मैंने, जो काफ़ी उन्होंने रेमेडीज वगैरह दी, उससे काफ़ी मामला हल हो गया। लगभग ये देख लीजिए 80-90% जो है मेरा काम सॉल्व हो गया। अच्छा, बिजनेस अच्छा, में काफ़ी जी, अगर मैं थोड़ा आपसे पर्सनल हो जाऊं और आपसे पूछूं, अगर आप बता भी पाओ, तो आप किस मुश्किल से घिरे हुए थे और वो उसमें आपको बहुत रिलीफ हुआ? मनी प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी देखे जाए तो अर्थव्यवस्था की है, मनी प्रॉब्लम सबको है। तो अच्छा, बिजनेस में मेरा डाउनफॉल हो गया था। एक्चुअली मेरा गोल्ड का काम था, और मेरे जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, वो बंगालीज लोग होते हैं अधिकतर, तो उनमें से काफ़ी मेरा गोल्ड जो है वो लेके चले गए थे, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में था। तो उस समय मैम से मुलाकात हुई थी मेरी, तो फिर उन्होंने बताया, न्यूमरोलॉजी किया और भी जो वास्तु वगैरह का, और जो इन्होंने यंत्रास वगैरह दिए थे मेरे को कम्प्लीटली, जो भी एक्चुअली क्या है वो राहु से और शनि से कुछ प्रॉब्लम थी मेरे को, तो उनकी जो उन्होंने बताया वैसा वैसा मैंने किया, तो उससे काफ़ी मामला तो एकदम सॉल्व हो गया, और अभी पटरी पे बिजनेस ये देख लीजिए अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अच्छा, तो ये मैम के लिए अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं और आपने अपने घर परिवार में किसी से बात की, एडवाइस भी ली होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जो शीतल मैम की एडवाइस है उसके बाद से आपको लगा कि एकदम से आपको? एक्चुअली मैं जी, एक्चुअली ये मैं एडवाइस तो काफी लोगों से ली, लेकिन जो इनकी बातों में जो इन्होंने जो रेमेडीज दी उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने काफी हटके इनकी जो चीज होती है जो एकदम सटीक उपाय करती है, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और वो सटीक गोली काम कर जाए, वो चीज होती है, तो ये इनके पास मुझे मिला। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। और जो मैं शीतल मैम के प्रति धारणा रखता था अपनी, और बिल्कुल ठीक निकली, और आपसे मेरे को सेटिस्फाइड भी हुआ मैं आपसे, और आपने मेरे को सर्टिफाइड भी किया
कि ये ठीक है, शीतल मैम से हम अगर एडवाइस लेते हैं तो उसका हमको एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी, आज आपने हमको समय दिया और आपसे हमारी बातचीत हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो शीतल मैम, जैसे मैंने आपके बारे में सुना था ठीक वैसे ही आपके बारे में पाया भी, तो विजय सोनी जी से हमारी जो बात हुई उन्होंने भी यही बात रखी है कि उनको जो दिक्कत हुई थी गोल्ड और उनके बिजनेस को लेकर, तो उसको लेकर आपने जल्दी उनको रेमेडी दिया, उनको रिलीफ हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा इस तरह से हमको जो बात करके विजय सोनी जी से भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।